नमस्कार साथियों एल एम जोग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है न रुकना है न थकना है बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था की और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में हम लोग आर्थिक समीक्षा दो हजार के अनुसार कृषि एवं संबंध क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं और कृषि और संबंध क्षेत्र में आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसके प्रश्न राजस्थान के भूगोल के संदर्भ में भी पूछे जाते हैं और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में भी पूछे जाते हैं लेकिन जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें विद्यार्थी कहीं न कहीं कंफ्यूज हो जाता है और आंकड़ों के परिदृश्य में वह गलती कर बैठता है तो ऐसी गलती आपसे नहीं हो और जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे उसके प्रश्न जब राजस्थान के भूगोल में यानी कि राजस्थान की ज्योग्राफी में पूछे जाएंगे तो क्या बनेंगे और जब वही प्रश्न राजस्थान की अर्थव्यवस्था से पूछे जाएंगे तो किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं उन पर हम विस्तार से अध्ययन करने वाले तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और आज हम बात करने वाले हैं आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत कृषि और संबंध क्षेत्र यानी कि राजस्थान की, की आर्थिक व्यवस्था में रबी खरीफ की फसलें और तिलहन जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में दे रखा है मेंशन है वहीं आरएस में कृषि एवं संबंध क्षेत्र के अंतर्गत उसका उल्लेख भी है तो देखिए आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में वह है रबी एवं खरीफ की फसल तिलहन यहां इसी प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में मेंशन राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत और आरएस में इसे हम कृषि एवं संबंध क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं अब अधिक इनके प्रश्न कि रबी एवं खरीफ की फसल और तिलहन इनके प्रश्न राजस्थान के भूगोल से भी पूछे जाते हैं और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में से भी पूछे जाते हैं अब क्या अर्थव्यवस्था में पूछा जाएगा क्या भूगोल में पूछा जाएगा हम इन दोनों पर विस्तार से चर्चा करने वाले तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जलवायु की दृष्टि से राजस्थान में कितनी फसलों का उत्पादन होता है तो देखिए यदि हम बात करें राजस्थान में जलवायु की दृष्टि से राजस्थान में तीन प्रकार की यानी कि जलवायु की दृष्टि से राजस्थान में कितने प्रकार की फसलें होती है तीन प्रकार की फसलें होती है अब कौन कौन सी होती है यह भी आपको क्लियर होना चाहिए तो इसमें एक होती है रबी की फसल एक होती है खरीफ की फसल और एक होती है जायद की फसल इस तरह से जलवायु के आधार पर राजस्थान में तीन प्रकार की होती है और यदि हम भारत के संदर्भ में भी बात करते हैं तो जलवायु के आधार पर तीन प्रकार की फसलें होती हैं अब हमें जो पूछा जाएगा जब आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत तो वह रबी और खरीफ की फसल के संदर्भ में पूछा जाएगा जायद का जो प्रश्न आता है सामान्यता बहुत कम ज्योग्राफी में पूछाता है नगण्य यदि सौ एग्जाम होते हैं तो उसमें एक या दो एग्जाम में पूछने की संभावना रहती है इसीलिए हम जायद की फसल का ज्यादा उल्लेख या वर्णन नहीं करें हमें किस पर फोकस करना है रबी और खरीफ को लेकर अब देखिए सबसे पहले तो हमें रबी और खरीफ की फसलों के बारे में पता होना चाहिए कि रबी की फसल क्या होती है खरीफ की फसल क्या होती है और फिर इसको लेके क्या हमें इकोनॉमी में पूछा जाएगा क्या हमें ज्योग्राफी में पूछा जाएगा दोनों पर हम वो लोग बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं रबी की फसल रबी की फसल का तात्पर्य है वह फसल जिसकी बुआई कब होती है इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में इसकी क्या होती है बुआई यानी कि इसको बोते हैं अक्टूबर नवंबर में और इसकी जो कटाई है मार्च अप्रैल में होती है यानी कि यह दीपावली के आसपास बोई जाती है और होली के आसपास यहां काटी जाती अब जब यहां पकती है उस समय राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाती है इसीलिए रबी की फसल को जो है स्थानीय भाषा में उनाड़ू कहा जाता है यह भी ध्यान रखना उनाड़ू क्यों कहते हैं क्योंकि यहां जब पकती है तो उस समय या इसकी जब कटाई होती है तो उस समय ग्रीष्म ऋतु आरंभ हो जाती है और गर्मी को हम स्थानीय भाषा में उनालो कहते हैं इसीलिए रबी की फसल को उनालो के रूप में जाना जाता है इसके बाद आती है खरीफ की फसल अब खरीफ की फसल की बात करें तो इसकी जो है बुआई इसकी बुआई जून जुलाई में इसकी बुआई होती है और अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई होती है और खरीफ की फसल को जो है क्या कहा जाता है सावणों या कहा जाता कि जब इसकी कटाई होती है उस समय राजस्थान में शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है इसीलिए इसे कहते हैं क्योंकि सर्दी या शीत ऋतु को स्थानीय रूप से हम या सर्दी का मौसम कहते हैं क्लियर हो गया तो यहां रबी की फसल यहां खरीब अब खरीब की फसल जो है यहां मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर करती है और इसीलिए यदि राजस्थान में मानसून अच्छा है अच्छी बारिश हुई है तो खरीफ की फसल का उत्पादन ज़्यादा होगा और यदि मानसून नहीं है या मानसून की कमी है वर्षा की कमी है तो खरीफ की फसल में उत्पादन कम होता है। क्योंकि खरीफ की फसल मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर करती है जबकि रबी की फसल जो है यह मुख्य रूप से सिंचाई के साधनों पर निर्भर करती है। और इसीलिए अधिकांश प्रश्न जो है हमें यहीं से रबी और खरीफ से पूछे जाते हैं कि खरीब में हम ज्यादा हैं में जो है, वहां आपको खरीफ में मिलेगा और इसकी हम चर्चा आगे करने वाले हैं जबकि उत्पादन ज्यादा आपको किसमें मिलता है रबी के अंतर्गत मिलता है क्यों क्योंकि यह उन्हीं क्षेत्रों में होती है जहां पे सिंचाई की सुविधाएं होती है या पर्याप्त जल या सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो उन क्षेत्रों में रबी की फसल का उत्पादन ज्यादा होता है जबकि बोया किया जाता है खरीफ तो इसीलिए रबी और खरीफ को लेकर हमें प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे अब बात आती है जायद की बस जायद की सामान्य आपको जानकारी होनी चाहिए कि जायद की फसल जो है वह इन दोनों के बीच में रबी और खरीफ के बीच में ही बोई जाएगी और बीच में ही काटी जाएगी यानी कि यह मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में यहां काटी जाती है और इसमें मुख्य रूप से ककड़ी है तरबूज है खीरा है या अन्य कोई सब्जी है उनका उत्पादन किया जाता सामान्यतः खरीफ और रबी की फसल में खाद्यान्न का उत्पादन है तिलहन का उत्पादन है मसालों का उत्पादन है नगदी फसलों का उत्पादन वह रबी और खरीफ के अंतर्गत होता है तो इसीलिए हमें एक तो राजस्थान में कितने प्रकार की फसल होती है जलवायु के आधार पे, रबी की फसल को क्या कहते हैं कब बोई जाती है कब काटी जाती है खरीफ की फसल को क्या कहते हैं कब बोई जाती है कब काटी जाती है यह सामान्य जानकारी होनी चाहिए और ये सभी चीज़ें हमें भूगोल के अंतर्गत पूछी जाती है क्योंकि इसका सीधा संबंध किससे है जलवायु से और इसीलिए भूगोल में इसका प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है अब आता है कि हम राजस्थान में रबी और खरीफ की बात करें तो रबी के अंतर्गत कौन सी फसलें बोई जाती है और खरीफ के अंतर्गत कौन सी फसलें बोई जाती है उनका भी फ्लो चार्ट हमें पता होना चाहिए क्योंकि वहां से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी फसल रबी की है या कौन सी फसल खरीफ की है और किस प्रकार से पूछा जा सकता है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं तो देखिए राजस्थान की प्रमुख फसल अब राजस्थान की प्रमुख फसल में दो प्रकार की फसल है रबी की फसल और खरीफ की फसल क्लियर हो गया अब यहां पे समझ रहा है कि रबी की फसल में किस किस का उत्पादन होता है और खरीफ की फसल में किसका उत्पादन होता है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि रबी की फसल में कौन कौन सा अनाज होता है कौन सा दलहन होता है कौन सा तिलहन होता है कौन सी नगदी फसल होती है और कौन से मसालों का उत्पादन होता है रबी के अंतर्गत किसका होता है और खरीफ के अंतर्गत कितना होता है अब देखिए रबी के अंतर्गत बात करें तो हम अनाज के रूप में किसका उत्पादन करते हैं एक तो गेहूं का और दूसरा जो जिसे हम क्या कहते हैं याओ। इनका उत्पादन हम जो है किसके अंतर्गत करते हैं रबी के अंतर्गत जबकि खरीफ के अंतर्गत बात करेंगे अनाज में तो इसमें बाजरा ज्वार मक्का और चावल इनका अनाज के रूप में देखिए ध्यान रखना अनाज में रबी के अंतर्गत गेहूं और जो होता है जबकि खरीफ के अंतर्गत चार प्रकार के अनाज का उत्पादन करते हैं बाजरा ज्वार मक्का और चावल यदि हम बात करें दलहन की तो रबी के अंतर्गत चना मटर और मसूर का करते हैं जबकि खरीफ के अंतर्गत बात करें इसमें मूंग मोट, चवला ग्वार उड़द का हम लोग क्या करते हैं उत्पादन करते हैं इसके बाद आता है तिलहन तिलहन की जब बात करते हैं तो इसमें सरसों तारामीरा सूरजमुखी आलसी का उत्पादन करते हैं जबकि खरीफ के अंतर्गत तिल मूंगफली आरणी और सोयाबीन का उत्पादन करते हैं। नगदी फसलों की बात करें तो इसमें अफीम और इस सब गोल का उत्पादन करते हैं जबकि खरीफ में कपास गन्ना तंबाकू का उत्पादन करते हैं मसालों में बात करें इसमें जीरा है धनिया है मेथी का उत्पादन करते हैं जबकि खरीफ के अंतर्गत हम मसालों का उत्पादन नहीं के बराबर करते हैं। अब ये जो है फसलें इनके आधार पर हमसे प्रश्न आर्थिक समीक्षा से पूछे जाएंगे अब देखिए हमें यह क्लियर होना चाहिए कि रबी की फसल क्या है उसमें अनाज दलहन तिलहन नगदी फसलें और मसाले अनाज को कई जगह खाद्यान्न भी लिखा हुआ मिलता है तो खाद्यान्न भी हम लोग पढ़ते हैं और रबी के खरीफ के अंतर्गत किसका होता है यह हमें क्लियर होना चाहिए और इन्हीं के आधार पर हमें भूगोल में और अर्थव्यवस्था में प्रश्न पूछा अब देखिए पहले बात करते हैं भूगोल में कि इनको लेके भूगोल में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब आप ज्योग्राफी में पढ़ें तब आपको यह पढ़ना है कि कोई भी फसल हो चाहे रबी की फसल हो चाहे खरीफ की फसल हो इसकी बुआई कब होती है कटाई कब होती है जिसके बारे में हमने चर्चा की है कि इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है कटाई मार्च अप्रैल में होती है इसीलिए इसे क्या कहते हैं उनालो कहते हैं इसकी बुआई जून जुलाई में होती है अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है इसे सावणु या सियाड़ू कहते हैं एक तो ये दूसरी चीज कि यह जो फसलें ये हाँ जलवायु के आधार पर जो है निर्धारित की गई तो ये वर्षा किससे प्राप्त करती है यानी कि इनको जो वर्षा के जल की प्राप्ति होती है किससे होती है तो अब रबी की जो फसलें हैं इनको वर्षा जल की प्राप्ति पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली चक्रवाती वर्षा से होती है जिससे हम स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं मावट कहते हैं जबकि यह मुख्य रूप से मानसून काल में होती है इसलिए यह ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करती है। और कई बार यहां से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं कि में से कौन सी फसल मावट से वर्षा प्राप्त करती है या नहीं करती तो जो भी रबी की होगी वह तो मावट से वर्षा प्राप्त करेगी और जो खरीफ की होगी वह ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करती है तो वर्षा याद रखना। तीसरा याद रखना है इसमें जलवायु कि जो रबी की फसल होती है वह शीतोष्ण जलवायु की फसल होती है जबकि खरीफ की फसल होती है वह उष्ण जलवायु की शीतोष्ण जलवायु और उष्ण जलवायु का मतलब है कि इनमें तापमान की आवश्यकता कम होती है यानी मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है जबकि इनके लिए जो है आपको उच्च तापमान यानी 20 से लगाकर 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चाहिए तो तापमान का पता होना चाहिए फिर वर्षा अब वर्षा जो है प्रत्येक फसल के लिए अलग होती है जैसे गेहूं के लिए हम बात करें तो मध्यम वर्षा की जरूरत होती है जबकि जो की बात करें तो उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है यही हम बाजरे की बात करें तो उच्च तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है चावल की बात करें उच्च तापमान और उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है कपास की बात करें उच्च तापमान मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है गन्ना की बात करें उच्च तापमान उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है यानी कि इनके लिए आदर्श दशाएं कौन सी होती है तापमान और वर्षा पर क्योंकि जलवायु का सीधा संबंध तापमान और वर्षा से होता है और इसीलिए रबी और खरीफ की फसल में आदर्श दशाएं पूछी जाती है कि गेहूं के लिए आदर्श क्या दशाएं और यह सब हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं उसके बाद इनमें कौन सी मिट्टी उपयोगी है देखिए जो भी अनाज या खाद्यान्न होगा उसके लिए सदैव झलोड मिट्टी जिसे हम दोमट या कांप मिट्टी कहते हैं वह उपयोगी होती है। लेकिन इसमें भी यदि हम बात करें मक्का के लिए तो मक्का के लिए पर्टिकुलर लाल मिट्टी जो है उपयोगी होती है कपास की बात करते हैं तो कपास के लिए काली मिट्टी जो है उपयोगी होती है तो इसीलिए कौन सी फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है यह भी हमें ज्योग्राफी के संदर्भ में पूछा जाता और इसके बाद ये कहां ज्यादा उत्पादित होते हैं और कहां पर जो है या इनकी कौन सी किस्म राजस्थान में होती है तो उनके बारे में ज्योग्राफी में पूछा था यानी कि जलवायु दशाएं मिट्टी सर्वाधिक कहां बोया जाता है सर्वाधिक कहां उत्पादन होता है इसकी कौन कौन सी किस्में ये सब ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं और हम ज्योग्राफी में ही अध्ययन करते हैं। अब आते है कि जब ज्योग्राफी में ये सब हम लोग पढ़ते हैं तो फिर इकोनॉमी में क्या पूछा जाता है तो अब हमें समझना है कि आर्थिक समीक्षा में हमें क्या पूछा जाएगा देखिए एक एक पॉइंट यहीं से हमें पता चलता है कि जिस क्षेत्र को हम पढ़ चुके हैं वहीं से हम शुरुआत करते हैं कि हमें राजस्थान में जो रबी और खरीफ की फसल है इसको किस तरह से एग्जाम में पूछा जाए तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्रचलित कीमतों पर कृषि एवं संबंध क्षेत्र का कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान और यह हमने पढ़ा है कि राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित कीमतों पर कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान कितना है तो वहा हमने पढ़ा है अट्ठाईस पॉइंट नौ पांच प्रतिशत अट्ठाईस पॉइंट नौ पांच प्रतिशत यहां योगदान है किसका और जिसको यदि रुपए में पूछा जाए तो कितना है तीन पॉइंट सात नौ लाख करोड़ रुपए। यहां देखिए कृषि एवं संबंध क्षेत्र के उप क्षेत्रों का प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2022 23 में योगदान यहां दे रखा है टोटल योगदान तीन पॉइंट सात नौ लाख करोड़ रुपए यहां योगदान सभी क्षेत्रों का है जिसमें फसल भी है पशुधन भी है वानिकी की भी है और मत्स्य भी है लेकिन हम किसकी बात करें फसल की तो अगला प्रश्न बनता है वह है राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्रचलित कीमतों पर फसल क्षेत्र का योगदान कि फसल क्षेत्र का योगदान कितना है जब हम फसल क्षेत्र के योगदान की बात करते हैं तो वह कितना है वह है छियालीस प्रतिशत फसल क्षेत्र का योगदान कितना है तो देखिए यहां जो क्षेत्र है यहां पूरा है फसल क्षेत्र का योगदान और यहां कितना है छियालीस प्रतिशत छियालीस प्रतिशत जब हमने पशुधन की बात की थी तो हमने लिखा था छियालीस पॉइंट चार एक प्रतिशत लेकिन कितने रुपए में है तो रुपए भी पता होने चाहिए कितना योगदान है एक पॉइंट आठ तीन लाख करोड़ रुपए कितना है एक पॉइंट आठ तीन अब दोनों पॉइंट क्लियर हो गया कि कृषि और समुद्र क्षेत्र के पूरे का जो योगदान है वह तो इतना है लेकिन उसमें से फसल का योगदान है वह है 1.83 लाख करोड़ जबकि पशुधन का जब हमने पढ़ा था तो वहां पढ़ा था 1.76 लाख करोड़ रुपए लेकिन परसेंटेज में पशुधन का ज्यादा है और फसल का उससे कम है तो यह ध्यान रखना विशेष रूप से पॉइंट क्लियर हो गया तो एक तो ये चीज आपसे पूछी जा सकती है कि राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन या राजस्थान की अर्थव्यवस्था में फसल क्षेत्र का योगदान कितना है और ध्यान रखना यह प्रचलित कीमतों पर पूछा जाता है तो प्रतिशत में पूछा जाए तो छियालीस प्रतिशत और रुपए के अंतर्गत पूछने की संभावना बहुत कम होती है और यदि पूछ भी ले तो 1.83 लाख करोड़ रुपए और यह इकोनॉमिक सर्वे में इसी प्रकार से दे रखा है क्लियर होगा अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको लेके हम चर्चा करें कि राजस्थान की फसलों का अध्ययन अब तो पूछा जाता है हमने कहा है कि राजस्थान में मुख्य रूप से दो फसलें होती है कौन सी होती है खरीब और रबी की। तो प्रचलित मूल्यों पर खरीब फसलों का सकल मूल्य उत्पाद यानी कि राजस्थान की आय में खरीफ की फसलों में सर्वाधिक योगदान क्या है या किसका यह सबसे इंपॉर्टेंट है यानी इस सारणी को समझना है तो केवल आपको दो लाइनों में समझना है क्या कि प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की आय में खरीब फसलों का योगदान कि खरीफ की कौन सी फसलें हैं जिनका योगदान सबसे ज्यादा है तो देखिए सर्वाधिक जो योगदान है वह है बाजरा का सर्वाधिक योगदान किसका है बाजरा और कितना है तो वह है नौ हजार आठ सौ करोड़ सर्वाधिक किसका है खरीफ के अंतर्गत बाजरे का इसके बाद दूसरा जो नंबर आता है वह आता है मूंगफली का दूसरा किसका योगदान है मूंगफली और कितना है आठ हजार तयालीस करोड़ रुपए और तीसरा जो योगदान है वह है मूंग का कितना है छह हजार नौ सौ तेयलिस करोड़ अब यहां पे समझना अब आप कहेंगे सर इतने सारे डाटा याद करने नहीं अब आपसे वो क्रम पूछेगा क्या पूछेगा क्रम कि राजस्थान की में या सकल मूल्य उत्पाद जीओवी या राजस्थान की आय में प्रचलित कीमतों पर खरीफ की फसलों के योगदान का सही क्रम है तो खरीफ में पूछा जाए तो सबसे ज्यादा योगदान बाजरे का है दूसरे नंबर पर मूंगफली का है और तीसरे नंबर पर मूंग का है अब कितने रुपए रुपए केवल आपको तुलनात्मक रूप से याद रखना है कि सबसे ज्यादा बाजरे का है तो वह है नौ करोड़ रुपए मूंगफली है तो आठ करोड़ रुपए और मूंग है तो छह करोड़ रुपए यहां देखिए यहां है बाजरा जिसका 2022-23 में कितना योगदान रहा है नौ करोड़ रुपए दूसरा जो है वह है मूंगफली मूंगफली का योगदान है आठ करोड़ रुपए और तीसरा जो है वह है मूंग इसका योगदान है छह करोड़ रुपए तो यह आंकड़े नहीं याद करने आपको केवल यह याद करना है कि खरीफ की फसलों का सर्वाधिक योगदान किसका है आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि वर्ष 2022 23 में प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक खरीफ की फसल का योगदान है चार फसलों के नाम आ जाएंगे बाजरा मक्का मूंगफली मूंग तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा अब बाजरा किसमें आता है खाद्यान में आता है तो खाद्यान में पूछा जाएगा तो बाजरा मूंगफली किस में आता है तिलन में तिलन में पूछा जाएगा तो मूंगफली का और यदि मूंग इसमें आता है दलहन में तो दलहन में पूछा जाएगा तो मूंग का और कई बार वो युग्म भी पूछ लेगा कि वर्ष 2022-23 में प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की आय में सर्वाधिक योगदान देने वाले खाद्यान है जिसमें एक तो होगा दलहन और एक होगा अनाज। तो दलहन में मूंग याद रखना अनाज में बाजरा याद रखना और तिलहन में पूछा जाए तो मूंगफली तो, तो यह क्लियर होना चाहिए अब इसी प्रकार वह रबी के संदर्भ में भी पूछेगा अब तो बात करते देखिए रबी के संदर्भ में यही फ्लो चार्ट मिलेगा आपको रबी के संदर्भ में कि प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की आय में सर्वाधिक योगदान देने वाली रबी की फसल की प्रचलित कीमतों पर रबी की फसलों का सकल मूल्य उत्पाद राजस्थान की अर्थव्यवस्था या राजस्थान की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है देखिए अब ध्यान रखना यहां पर सबसे ज्यादा योगदान है वह है सरसों का कितना है सैंतीस हजार सात सौ इक्यावन करोड़ रुपए सबसे पहले किसका आएगा सरसों का सैंतीस हजार सात सौ इक्यावन करोड़ रुपए उसके बाद आएगा वह आएगा गेहूं का कितना है अट्ठाईस हजार पांच सौ तीन करोड़ रुपए गेहूं का अट्ठाईस हजार पांच सौ तीन करोड़ रुपए और तीसरा पूछा जाएगा तो वह है चना चना का है ग्यारह हजार नौ सौ उनतीस तो यह भी ध्यान रखना कि रबी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है सरसों का उसके बाद गेहूं का और उसके बाद है चना का ये तीनों चीजें अब ध्यान रखना अब रबी और खरीफ दोनों का कंपेयर करें देखिए यहां खरीफ और यहां रबी अब इन दोनों में ज्यादा योगदान किसका होगा रबी का होगा क्योंकि हम कहते हैं कि खरीफ में ज्यादा बोया जाता है लेकिन उत्पादन ज्यादा रबी के अंतर्गत होता है और जब उत्पादन ज्यादा रबी के अंतर्गत होता है तो निश्चित रूप से रबी की फसलों का योगदान ज्यादा होगा और उसमें भी सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है सरसों का और इसीलिए आपको पता होगा कि सरसों में राजस्थान का पूरे भारत में पहला स्थान है पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं था? तो इसीलिए सरसों को लेकर हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है और इसको जिला एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है भरतपुर को लेकर क्योंकि भरतपुर का जो जिला उत्पाद है निर्यात के लिए वह खाद्य तेल है और खाद्य तेल में मुख्य रूप से कौन सा है सरसों क्योंकि जो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र वह सेवर भरतपुर में है तो इसीलिए हमें इन फसलों के बारे में विशेष रूप से सरसों के बारे में गेहूं के बारे में बाजरा के बारे में मूंगफली के बारे में विशेष रूप से आपको पढ़ के जाना है अब आपसे यह भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि प्रचलित कीमतों पर वर्ष दो हजार में निम्नलिखित में से राजस्थान की आय में सर्वाधिक योगदान देने वाली फसलें अब उसमें न तो रबी लिखा होगा नहीं तो उस समय हमें रबी और खरीफ दोनों का कंपेयर करना है तो अब देखिए इसका सीधा क्रम याद रखना है कुछ भी याद नहीं रखना है पहले रबी को लिख दीजिए इसके नीचे खरीफ को लिख दीजिए तो रबी की तीन और खरीफ की तीन हो गई तो इस तरह से अलग अलग भी पूछा जा सकता है और एक साथ भी पूछा जाता है और इन्हीं फसलों के आंकड़े हमको आगे पूछे जाएंगे किसरे भारत के संदर्भ में क्योंकि इन फसलों का योगदान ज्यादा है तो निश्चित रूप से इन फसलों के संदर्भ में हमें तुलनात्मक अध्ययन पूछा जाएगा जो कि विशेष रूप से स्टूडेंट को पता होना चाहिए कैसे पूछा जाएगा तो देखिए बात करते हैं इसके बाद जो हमसे पूछी जाती है वह यह सारणी पूछी जाती है और यहां से हर बार एक प्रश्न आता है अब इसमें क्या है पहले सारणी को समझना सबसे पहले है क्रम संख्या उसके बाद है फसल का नाम और उस फसल में प्रथम स्थान किसका है द्वितीय स्थान किसका है तृतीय स्थान किसका है अब हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो केवल और केवल राजस्थान का ही हमको याद रखना है कि किस किस में राजस्थान पहले नंबर पर है किस में दूसरे नंबर पर है और किस में तीसरे नंबर पर है अब यहां जो है यहां दो हजार बीस इक्कीस के अनुसार तैयार है यह ध्यान रखना क्योंकि जो हमने भू की पढ़ी है भू उपयोग दो हजार बीस इक्कीस उसी के आधार पर प्रमुख फसलों के उत्पादन में तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है बीस इक्कीस अब यहां से जब प्रश्न आता है तो सीधा वर्ष वर्ष लिखते हैं कि वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के अनुसार निम्नलिखित में से में राजस्थान का पूरे भारत में प्रथम स्थान अब 2021 लिखा हुआ जरूर मिलेगा लेकिन यहां जो आंकड़ा है यह आर्थिक समीक्षा 2022-23 से लिया गया अब देखिए इसमें हमें राजस्थान को ढूंढना है कि किस किस में राजस्थान का पहला स्थान है और इसके बाद राजस्थान का देश के कुल उत्पादन में कितना प्रतिशत है कि यदि बाजरे का उत्पादन होता है तो पूरे भारत के के बाजरे में राजस्थान का कितना योगदान है तो अब सबसे पहले तो किस किस में पहला स्थान है उस पर हमको बात करना है तो देखिए किस किस में राजस्थान का पहला स्थान है एक एक पॉइंट ध्यान रखना एक तो बाजरा में पहला स्थान है किस में? बाजरा में उसके बाद दूसरा है सरसों में पहला स्थान इसके बाद है पोषक अनाज फिर कुल तिलहन कुल दलहन यहां तक एक दो तीन चार इन चार में राजस्थान का प्रथम स्थान है तो देखिए इसको कैसे याद रखना है वहां भी मैं आपको बता देता हूं आर्थिक समीक्षा 2000 बाईस तेईस वर्ष 2020-21 में राजस्थान में उत्पादित फसलों का भारत के कुल उत्पादन में योगदान अब इसमें देखिए अब हमें यह पता होना चाहिए कि प्रथम स्थान किसमें है द्वितीय स्थान किसमें है और तृतीय स्थान किसमें पहले तो यहां आपको क्लियर हो जाए अब पहला जो स्थान है वह किस किस में है तो एक तो है बाजरा में उसके बाद है सरसों में दो तो क्लियर इसके बाद है पोषक अनाज और कुल तिलहन में पोषक अनाज और इनमें राजस्थान का पूरे भारत में पहला स्थान अब बात करते हैं द्वितीय स्थान अब द्वितीय स्थान किसमें आएगा देखिए कुल दलहन में और मूंगफली में कुल दलहन और दूसरा कौन सा है मूंगफल इसके बाद आता तीसरा स्थान तीसरा स्थान है चना ज्वार और सोयाबीन में चना ज्वार So अब यहां पे समझने की बात है क्या है कि यदि हम आर्थिक समीक्षा 2021 हजार का अध्ययन करते हैं और वर्ष 2019-20 के अनुसार राजस्थान में उत्पादित फसलों का यदि हम अध्ययन करते हैं तो उस समय चना में राजस्थान का पहला स्थान था लेकिन वर्ष 2020-21 के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो चना में कौन सा स्थान हो गया तीसरा स्थान हो गया तो एक तो आपको स्थान क्लियर होना चाहिए कि किसमें राजस्थान का प्रथम स्थान है किसमें राजस्थान का द्वितीय स्थान है और किसमें राजस्थान का तृतीय अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर इसमें एक और नाम दे रखा है ग्वार अब यह ध्यान रखना ग्वार जो है इसमें राजस्थान का पहला स्थान तो है लेकिन यहां दे रखा है वर्ष 19-20 के अनुसार दे रखा है ये ध्यान रखना वर्ष 2019-20 के अंतर्गत जो है ग्वार का राजस्थान सॉरी ग्वार में राजस्थान का पूरे भारत में पहला स्थान है जबकि हम अध्ययन किसका कर रहे हैं हम अध्ययन कर रहे हैं 2021 के अनुसार तो 21 में ग्वार के संबंध में कोई भी आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए हैं ग्वार के आंकड़े ग्वार में हमारा पहला स्थान है लेकिन 2019-20 के अनुसार है बीस इक्कीस के अनुसार हम इन चार में प्रथम नंबर पर हैं इन दो में द्वितीय नंबर पर हैं और इन तीन में हम तृतीय नंबर पर यहां तक तो क्लियर हो गया अब कुल उत्पादन जो भारत में जो उत्पादन हो रहा है उसमें इनका योगदान कितने प्रतिशत है उसके आधार पे भी प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे तो देखिए यदि हम परसेंटेज की बात करें तो बाजरा जो है वह है इकतालीस और सरसों है चमालीस पॉइंट सत्तावन प्रतिशत यहां इकतालीस पॉइंट इकहत्तर सरसों हैं चालीस पॉइंट सत्तावन प्रतिशत इसके बाद बात करें पोषक अनाज में सोलह पॉइंट तीस और कुल तिलन में बाईस प्रतिशत सोलह पॉइंट तीस बाईस प्रतिशत ये तो प्रथम स्थान वाले हैं इसके बाद कुल दलहन में बात करें तो सोलह पॉइंट पिचहत्तर और मूंगफली में है अट्ठारह पॉइंट उन्नीस सोलह पॉइंट पिछहत्तर और अट्ठारह पॉइंट उन्नीस प्रतिशत और इसके बाद यदि हम चना में बात करें तो उन्नीस पॉइंट सैतीस ज्वार में बारह पॉइंट पैंतीस और सोयाबीन में आठ पॉइंट चार नौ प्रतिशत तो यह योगदान है अब यहीं से हमारा वो प्रश्न बना था कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्ष 2020-21 में राजस्थान में उत्पादित होने वाली फसलों में भारत में सर्वाधिक योगदान किसका है तो देखिए क्रम में आपको लिख रहा हूं भारत में योगदान का क्रम सबसे ज्यादा योगदान किसका है तो देखिए सबसे ज्यादा है सरसों का सरसों का योगदान सबसे ज्यादा है उसके बाद है उससे कम किसका है बाजरा का और इसके बाद किसका है ध्यान रखना चना चना में हम तीसरे नंबर पर जरूर है लेकिन योगदान में भी हम तीसरे नंबर पर है। उसके बाद मूंगफली मूंगफली के बाद में बात करते हैं तो वहां है सॉरी यहां पर तीसरा आएगा कुल तिलहन कुल तिलहन के बाद में चना चना के बाद में मूंगफली और मूंगफली के बाद में कुल दलहन उसके बाद आएगा पोषक अनाज और सेस आप बता सकते हैं अब यहां पर आंकड़े जो है हमें एग्जाम में पूछेंगे अब देखिए हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है रबी की फसल खरीफ की फसल और तिलन अब हमारा यही प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्ष दो हजार में राजस्थान के या भारत में उत्पादित कुल तिलहन में राजस्थान का योगदान कितना है तो यह ध्यान रखना कितना होगा वहां ऑप्शन पर ध्यान रखना 22। या फिर पूछा जाएगा कि राजस्थान में उत्पादित होने वाली कौन सी फसल जिसका भारत के उत्पादन में सर्वाधिक योगदान है तो वह है सरसों का और इसीलिए तिलहन के रूप में आपको सरसों के बारे में मूंगफली के बारे में और सोयाबीन के बारे में पूछे जाने की संभावना है तो यहां आपको विशेष रूप से याद रखना है और इसी के आधार पर हमें प्रश्न पूछे जाएंगे तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि राजस्थान की जब हम कृषि और फसलों की बात करते हैं तो ज्योग्राफी में क्या पूछा जाएगा और इकोनॉमी में क्या पूछा जाएगा तो हमने राजस्थान की जो रबी और खरीफ की फसल है उसमें एक तो योगदान को लेकर पूछा जाएगा कि राजस्थान की आय में कौन सी फसलों का योगदान ज्यादा है खरीब में और रबी में और उसके बाद भारत के में उत्पादन में योगदान कौन सी फसलों का ज्यादा है और किस में राजस्थान का प्रथम स्थान अब दूसरा एक और पॉइंट यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि जो भी राजस्थान में बोई जाती है खरीफ के अंतर्गत रबी के अंतर्गत या जिनका भी उत्पादन होता है तो उसके भी आंकड़े हमसे पूछे जाते हैं तो जब आप आर्थिक समीक्षा खोलते हैं तो उसमें एक बहुत सी बड़ी सारणी सी बनी हुई है जिसमें लिखा हुआ होता है पिछले पांच सालों का बायोडाटा कि खाद्यान्न में रबी के अंतर्गत खरीफ के अंतर्गत कितना बोया गया कितना उत्पादन हुआ और जब उस सारणी को लेकर जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो निश्चित रूप से विद्यार्थी कहीं ना कहीं कंफ्यूज होता है तो राजस्थान में उत्पादित होने वाली फसलें और राजस्थान में जो बोई जाने वाली फसलें इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे अगली क्लास में तो आज के लिए हम लोगों ने जो है बात की है वह किसको लेके बात की है कि राजस्थान के कृषि और संबंधित क्षेत्र में फसल का क्या योगदान है कितने प्रतिशत है कितने रुपए का योगदान है और राजस्थान की आय में रबी की और खरीफ की फसलों का क्या योगदान है और यह फसलें भारत के उत्पादन में क्या योगदान रखती है और या इन फसलों में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है सर्वाधिक किसका योगदान है और किस तरह से हमें प्रश्न ज्योग्राफी में और इकोनॉमी में पूछे जा सकते हैं उन पर हमने चर्चा की और जो परिवर्तन हुआ है ध्यान रखना चने को लेके जो परिवर्तन हुआ है यह सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में जो है जो 2021 हजार के उसमें चना पहले नंबर पे थे हम चने में लेकिन जब हम इकोनॉमिक सर्वे बाईस तेईस का अध्ययन करते हैं तो हम चने में तीसरे स्थान पर आ गए और जबकि हमने राजस्थान की आय में देखा सबसे ज्यादा सरसों का योगदान है उसके बाद गेहूं का योगदान है और उसके बाद चने का योगदान है तो क्लियर हो गया कि नहीं तो ये ध्यान रखना इस तरह से हमें राजस्थान की फसलों को क्योंकि जब सिलेबस में क्लियर दे रखा है रबी खरीफ की फसलें और तिलन तो यहीं से इसी प्रकार से हमें प्रश्न एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे या तो आपको डाटा भी पूछ सकता है कि सरसों का योगदान कितना है बाजरे का योगदान कितना है चने का कितना है मूंगफली का कितना है तो क्योंकि देखो बाजरे का योगदान भी ज्यादा है मूंगफली का भी योगदान ज्यादा है चने में, में भी ज्यादा है सरसों की जो हमने छह फसलें पड़ी है जो राजस्थान की आय में अपना स्थान रखती है उसमें से चार फसलें भारत में भी अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान रखती है और राजस्थान का उन फसलों के उत्पादन में भारत में कोई कोई स्थान है और इसीलिए इन फसलों को आप विशेष रूप से पढ़ के जाएं ये इकोनॉमिक से पूछी इसके अलावा जैसे गेहूं है मक्का है कपास है गन्ना है ये सब चीज़ें आपको किसके संदर्भ में पूछिएगी जोग्राफी के संदर्भ में उनकी किस्म को लेके पूछे जाते हैं और आपने देखा भी होगा मक्का की किस्म कई बार पूछी है और आर एस का पेपर देखें तो एम जी नेबी जो कि गेहूं की किस्म है, ये कई बार आपसे पूछी है माही धवल माई कंचन और सविता मक्का की फसलों को आपसे पूछा गया है कपास को लेके भी पूछा गया है अगेती और नरमा को लेकर तो ये ध्यान रखना हमें क्या पूछा जाएगा तो हमें पता होना चाहिए कि इकोनॉमी में क्या आएगा और ज्योग्राफी में क्या आएगा क्योंकि कई विद्यार्थी तो ये सोचते हैं कि ज्योग्राफी में फसलें पढ़ ली बस क्या है वही तो पूछिएगी नहीं ज्योग्राफी में प्रश्न पूछने का तरीका अलग होगा इकोनॉमी में प्रश्न पूछने का तरीका अलग होगा और जिनका उल्लेख आर्थिक समीक्षा में उनको इकोनॉमिक के आधार पर ही पूछे जाने की संभावना है जिनके बारे में हमने चर्चा की क्लियर गया तो यह था आज का हमारा सेशन आगे हम कृषि और संबंधित क्षेत्र में राजस्थान में बोए जाने वाले क्षेत्र और उत्पादित होने वाले जो है फसल चाहे वो खरीफ की रबी की है उनके बारे में क्या हमसे पूछा जाएगा उस पूरी सारणी का विस्तार से अध्ययन करेंगे और कौन से आंकड़े हमको याद रखने उन पर भी हम लोग बात करेंगे ये था आज का हमारा सेशन थैंक यू